Pledge. I, Kamaljit, committed to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. Today we will start our 6th chapter of biology, that is circulatory system. Okay, we all need food, water and oxygen for survival. Food and water are taken into the body through the mouth by the digestive system. Oxygen is taken in through the nose by the respiratory system. Okay, oxygen, food or water humko survival ke liye chahiye. फूड एंड वाटर टेकन इन द बॉडी थ्रू द माउथ बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो फूड एंड वाटर है, फूड एंड वाटर हम लेते हैं बॉडी से, कहाँ से? थ्रू माउथ से, बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट होते हैं. ऑक्सीजन हम नोज से, नोज के थ्रू लेते हैं. वो कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. द सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल इन वेरियस पार्ट ऑफ द, जो ये सब्सटेंसेस हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल में, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में. सिमिलरली अवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम हार्मफुल सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इज वेस्ट इन द सेल. द बॉडी नीड टू ट्रांसपोर्ट हार्मफुल सब्सटेंस टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. अवर बॉडी हैज ट्रांसपोर्ट सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, अब वी नो डैट कि हमारे जो बॉडी वो प्रोड्यूस करते कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस. वॉट काइंड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस अवर बॉडी प्रोड्यूसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, राइट? द बॉडी नीड टू बी ट्रांसपोर्ट हार्मफुल सब्सटेंस टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव. अब जो हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट चाहिए, इसकी वो ऐसा चीज़ चाहिए कि जो हमारी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सके ऐसी जगह में जहाँ से वो रिमूव हो जाए. उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग, कितने से देखो, आपने पढ़ लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने पढ़ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम. इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूविंग सब्सटेंस थ्रू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड. अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू? ब्लड, विद द हेल्प ऑफ ब्लड. पता है आपकी बॉडी में एक ब्लड ही है जो सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने भी आपके फैट प्रोटीन है, वो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है. तो ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या है? जिसकी, जिस वेसल्स के अंदर से ब्लड ट्रांसफर होता है, जैसे आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. ये तीन क्या है बच्चा? आपके ब्लड वेसल्स. एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. और एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी से वेस्ट को. इसको हम बोलते हैं पूरे को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. क्या, कौन सा सिस्टम बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज पिंकिश एंड इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट. ह्यूमन हार्ट क्या होता है? पिंकिश कलर का होता है और इसका साइज फिस्ट की तरह होता है. इट इज़ ए हलो होलो हाईली मस्कुलर कोन शेप स्ट्रक्चर. एक कोन शेप स्ट्रक्चर का होता है. द हार्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द टू लंग्स इन द रिब केज. जो हार्ट है वो हमारे दो लंग्स के बिटवीन में रहता है. इसके पास फोर चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4. हार्ट के पास हाउ मेनी चैम्बर्स? हार्ट है 4 चैम्बर्स. द टू थिन वॉल ऑरिकल एंड टू थिक वॉल वेंट्रिकल्स. टू थिन ऑरिकल्स होते हैं और फोर और टू वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट में, ठीक है बच्चा? दिस चैम्बर्स आर मेंट टू प्रिवेंट द मिसिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड. राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट बच्चा. इसके फोर चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको. ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं. ये ऊपर छोटे जो वाले हैं उनको ऑरिकल्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं. आगे बस समझ लो, इसको हम ऑरिकल बोलते हैं. दो ऑरिकल्स होते हैं और दो
वेंट्रिकल होते हैं, इन दोनों के बीच में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ से यहाँ तक ब्लड आता है। ओके बच्चा, ये कितने चैम्बर्स हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए। दिस चैम्बर्स आर मीन टू बी प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योर ब्लड, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाई इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज एट्रियम। ऑरिकल्स जो मैंने आपको बताया जो ऊपर के होते हैं, इनको देखो, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, मैंने बोला था ऊपर में ऑरिकल्स होते हैं और नीचे में वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल को हम एट्रियम भी बोलते हैं, दे आर द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं। ये थिन वॉल होते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। द राइट ऑरिकल रिसीव्स द इम्प्योर ब्लड व्हाइल द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स द प्योर ब्लड। देखो बच्चा, ये जो राइट ऑरिकल है ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को एक्सेप्ट करता है, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से प्योर ब्लड आता है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है अलग अलग बॉडी पार्ट से, यहाँ पर प्योर ब्लड आता है और यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है बच्चा। लोअर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये थिक वॉल होते हैं, ये पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। द राइट वेंट्रिकल पंप द इम्प्योर ब्लड व्हाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द प्योर ब्लड, ठीक है। अब बच्चा ये जो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ से फिर नीचे जाता है, फिर ये इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, फिर इस साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये प्योर ब्लड को पंप करता है। यहाँ पास इस जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पास इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पास प्योर ब्लड है, ठीक है। नाउ ब्लड, ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लोइंग इनसाइड द ब्लड वेसल। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वेरियस न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट गैस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बॉडी। इट कंसिस्ट अबाउट 8% ऑफ अवर बॉडी वेट। द ह्यूमन बॉडी ऑफ एन एवरेज हैज़ अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। देखो बच्चा, जो ये ब्लड है ये भी, इसको हम कनेक्ट, ये टिश्यू है लेकिन इसको हम कौन सा बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो होता है। जो भी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट गैस है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। ये 8% ऑफ द बॉडी वेट को कंस्टिट्यूट करता है। ह्यूमन बॉडी का एवरेज ब्लड कितना होती है, 5 लीटर ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में होता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। जो प्लाज्मा है वो 60% होता है और कॉर्पसल 40% होता है। ब्लड के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ब्लड को, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का। इट इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड विच कंटेन 90-92% वाटर। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का, इसके अंदर 90-92% वाटर होता है, 7-8 प्रोटीन, 1 इनऑर्गेनिक सॉल्ट, 0.1 ग्लूकोज एंड ट्रेसेस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, ये सब प्लाज्मा कंटेन करता है, ठीक है। द अदर सब्सटेंस आर हारमोन्स, और कौन से सब्सटेंस है, हारमोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वेंट फिब्रिनोजन प्रोटीन इज रिमूव फ्रॉम प्लाज्मा, इट इज़ कॉल्ड सीरम। जब फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट, जब वो जो ये फिब्रिनोजन प्रोटीन है ये रिमूव हो जाता है प्लाज्मा से, उसको हम बोलते हैं सीरम। इन एन एवरेज अडल्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इज अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर्स। एवरेज अडल्ट में जो टोटल वॉल्यूम होती है प्लाज्मा की वो 3 लीटर होती है। ये लिक्विड जो प्लाज्मा है ये ब्लड का पार्ट है, इसके अंदर वाटर होता है, प्रोटीन होता है, डिफरेंट ट्रेसेस में ट्रेसेस कुछ होते हैं, ग्लूकोज होते हैं और अदर सब्सटेंस भी होते हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इस प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर देते हैं तो इसको हम सीरम बोलते हैं। एडल्ट प्लाज्मा, एडल्ट ह्यूमन में प्लाज्मा 3 लीटर्स होते हैं, गॉट इट। नाउ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स आर अ सेलुलर पार्ट ऑफ अ ब्लड। ये एक सेलुलर पार्ट है ब्लड का। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में 3 टाइप के सेल्स है, कौन से, दिस आर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स,
थ्री टाइप के सेल होते हैं हमारे ह्यूमन ब्लड में, इसको हम बोलते हैं RBC, इसको हम बोलते हैं WBC और ये है ब्लड प्लेट्स। लुक एट दिस डायग्राम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। एंड दिस रेड ब्लड सेल वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।